जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लोग हम फिल इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के दिन से आपको डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज लगेगा आप जो वीडियो देख रहे हैं पहले मैं मोबाइल से बना था और अभी मैं टैबलेट से वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा अच्छी दिखेंगे पहले के मुकाबले तो आज बात करेंगे हम लोग एमएफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे कि एक छोटी सी कंपनी में ग्रोथ की क्या संभावना है सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है तो आपको पता है कि जो एम इंडिया कंपनी है ये एक लॉजिस्टिक एंड कार्गो बेस्ड कंपनी है सामान ढोने वाली जो कंपनियाँ होती है जो किसी भी सामानों को एक देश से दूसरे देशों को में ट्रांसपोर्ट करना हो इवन अपने ही देश में ट्रांसपोर्ट करना हो तो अपने देश में भी ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करती है और इस दूसरे देशों में इसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो जो शिपमेंट होते हैं उनके सहायता से कंपनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है जब काम के भी से समझे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रह सकती है क्योंकि इस तरह के काम हमेशा चलेंगे और इसकी डिमांड भी समय और जैसे इससे आबादी बढ़ेगी बढ़ते जाएगी अब बात करते हैं फंडामेंटल की तकरीबन सत्ताईस से अट्ठाईस करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और उसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नन्हा सा छोटा सा प्राइस है सतहत्तर पैसा कमाल की बात यह है कि बुक वैल्यू से इसका प्राइस अधिक है ये बहुत अच्छी बात है हालांकि यहाँ पर यदि यह आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और, और आर दोनों जीरो परसेंट है यानी कि पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर आर और आर दोनों में कुछ खास मतलब इसका होता नहीं है अब हम लोग चलते सीधे चार्ट पर और चार्ट पर बातों को समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो अभी हम लोग आ गए कंपनी के चार्ट बात को जब यहाँ पर आप समझेंगे जरा सा ये जो लाइन है तकरीबन एक के आसपास कंपनी का सपोर्ट लाइन था बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा था लेकिन इस साल जनवरी में ये लाइन कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेक कर दिया जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक करके सीधे आ गया यहाँ पे जो कंपनी का सत्तर पैसा का लेवल था यहाँ पे आके कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा नहीं इसके भी नीचे आ गए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो प्राइस इसके भी नीचे आया लेकिन फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना डब्लू पैटर्न बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है हालांकि ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ज़रूर आया था और सपोर्ट लाइन के ऊपर आने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ गया आप कह सकते हैं काफ़ी दिनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है सत्तर पैसा से लेकर साठ पैसा इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा था लेकिन फिर सितंबर में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ क्योंकि जब काफ़ी दिनों से किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज अमाउंट में नहीं रह सकता कभी ना कभी रेंज अमाउंट से बाहर निकलेगा कॉन्सुलेशन ऐसे जब ब्रेक किया तो प्राइस फिर अस्सी पैसा तक गया और अभी सत्तर से अस्सी पैसा के लेवल में आकर ट्रेड कर रहा है अब क्या होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपने निचले कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक कर रहा है प्राइस ऊपर आके समय बिता रहा है और फिर इसके ऊपर आएगा तो नब्बे पैसा के लेवल के आसपास आएगा और नब्बे पैसा के लेवल के आसपास कुछ दिनों तक तो फिर समय बिताएगा फिर इसको समय बिताने के बाद जब प्राइस निकलेगा तो सीधे एक रुपए तक और उसके बाद अगले डेढ़ रुपए तक और फिर दो रुपए तक जाते हुए भी इस कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में दिख सकता है तो यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एक रुपए की सॉरी डेढ़ रुपए से लेकर दो रुपए के लेवल तक के लिए ये टारगेट प्राइस आप अपना रख के इसमें चल सकते हैं हैं। तो शॉर्ट टर्म में यदि देखें तो हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में अभी भी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मजबूती दिख रहा है क्योंकि शेयर प्राइस अभी जो मेन सपोर्ट लाइन था कि ये कि ये इसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है यदि इसके नीचे ट्रेड करता है तो तब हमें दिक्कत होती तो तो है लेकिन अभी हमें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राइस अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं फंडामेंटल मजबूत हो रहे नहीं तो इसके लिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के सेल्स की ये रहा सेल्स और यहाँ पर देखेंगे कंपनी का सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा है और जब सेल्स बढ़ रहा है तो देख लेते हैं क्या प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है तो ये रहा प्रॉफिट प्रॉफिट देखेंगे नेट प्रॉफिट की यदि हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में थोड़ा सा लॉस में जाते हुए दिखाया लेकिन अच्छी बात ये है कि कंपनी का सेल्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है तो जब सेल्स बढ़ रहा है यानी कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है जब पैसा आ रहा है तो कंपनी के पास जो डेफ्ट है जो कर्जा है उसको नहीं ख़त्म करेगी जब कर्जा चुक जाएगा तो उसके बाद जो नेट प्रॉफ़िट है यह भी सस्टेनेबल लेवल पे ग्रो करते रहेगा यानी कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लॉस में आ गया है लॉस में नहीं आएगा अगली बार जब कंपनी सेल्स सेल्स में कंपनी की बढ़ोतरी होगी तो कंपनी का प्रॉफ़िट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा तो यही बात है ये जो कंपनी है आने वाले समय में एक अच्छी कंपनी बन सकती है इसको आपको अपने ध्यान में रख चलना होगा उम्मीद करता हूँ एम इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे मन में कोई सवाल है कंपनी में जरूर पूछिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया